बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपसे पहले उर्दू के एमसीक्यूज 200 ऑलमोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट शेयर किए थे, तो अब मैं आपसे उर्दू का गेस्ट पेपर शेयर करने लगा हूँ। पहले हिस्सा नज़म में देखें कौन कौन से इम्पोर्टेंट अशार हैं, वो ज़रा देख लें। मैं यहाँ से पढ़ूंगा नहीं, आप लोग खुद ही इसको देख लें। मैं स्क्रोल डाउन करता हूँ। उसके अलावा ये हिस्सा गजल के अशआर हैं, इनको भी जरा देख लें, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये मुख्तसर सवालात हैं, इनको भी देख लें आप लोग। ये तकरीबन 36 शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ना इसबाक के खुलासे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये इसबाक के खुलासे हैं। इसमें हिजत नबी, काहली, पंचायत, इम्तिहान, कदरे अयाज। इसके अलावा जो आपने इसके साथ करना है वो रामो सुकून करना है, नसू और सलीम की गुफ्तगु, मिर्जा गालब के अदातो खसाइल, तीन आपने मजीद इसके साथ ऐड कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लेटर्स खतूत हैं। सबसे पहला वालिद के नाम खत है, खत से मुराद यहाँ पर ये वालिद के नाम से कि स्कूल में इम्तिहानी नतीजे की रुदाद के हवाले से है, यानी कि इम्तिहान में कामयाब हुए, इम्तिहान की कामयाबी की इतला आपने वालिद साहब को देनी है, ये भी हो सकता है। दूसरा वालदा के नाम है, मौसम गर्मा की तातीलात का जिक्र करना है, या मौसम गर्मा की छुट्टियां आपको हो चुकी हैं और आप घर आ रहे हैं, वो आपने अपनी वालदा को बताना है, उस हवाले से खत लिखना है। तीसरा चचा के नाम है, चची की बीमारी पर तशवीश का इजहार करना है या चची की खैरियत दरियाफ्त करनी है, एक ही बात है। चौथा है छोटे भाई के नाम, अच्छी सोबत इख्तियार करने के लिए नसीहत करनी है या फिर उसको पढ़ाई में दिलचस्पी की तलकीन करनी है, एक ही, ये दोनों एक ही हैं। फिर लास्ट में दोस्त के नाम है, जहेज और शादी के मौके पर बेजा इसराफ की मजम्मत करनी है। एक तो यहाँ पर ये पांच खतूत मैंने लिखे हुए हैं, फिर बड़े भाई की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए भी एक आपने खत इसके साथ लाजमी अटैच कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती हैं खत के बाद दरखास्तें। एक तो हेडमास्टर को लिखनी है सर्टिफिकेट के हसूल के लिए दरखास्त, इसके साथ ना दो आप और कर लें, हेडमास्टर को जरूरी काम और बीमारी की दरखास्त, ये भी आपने यहाँ पर दो लाजमन कर लेनी है। फिर फीस माफी की दरखास्त भी है हेडमास्टर को, वो भी लाजमी कर लीजिएगा। फिर बल्दिया के जो अमले को या बल्दिया का जो हेड है या हेल्थ ऑफिसर है उसके नाम सफाई की दरखास्त। फिर पोस्टमास्टर के नाम डाकिये की शिकायत करने के लिए दरखास्त है और राशन डिपो के खिलाफ दरखास्त है, ये आपने लाजमन कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है स्टोरीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट, गिदड़ की मकारी, सच की बरकत, झूठ की सजा, अकलमंद बीवी, हरनी की दुआ, दूध में पानी।
इसके अलावा ना दो आपने और करनी है, एक ना इतफाकी का अंजाम और एक इंसाफ। अगर इसके अलावा एक और कर ले शेर का घर तो वो भी ठीक है। उसके बाद मुकालमे है, महंगाई के मौजू पर दुकानदार खरीदार के इम्तिहान की तैयारी के मौजू पर दो हम जमात लोगों क्लास फेलोज का, फिर बीमारी के मौजू पर मरीज और तबीब का। ये तो आप हो गए यहाँ पर मुकालमे के, आपने ये कर लेने हैं। इसके अलावा आपकी बुक में तकरीबन 45 ज़र्बुल मिसाल है, वो 45 ज़र्बुल मिसाल भी लाजमी करने हैं, 5 नंबर के वो भी आते हैं। उसके बाद ग्रामर है, उसके वाले से इसमें नकरा, इसमें मारफा की इकसाम, फेल की जो पहली 6 इकसाम है वो वाली, फिर मेल फेल माजी, ये आपने ग्रामर के वाले से लाजमी कर लेना है। इसके बाद अगर कुछ टाइम मिला तो मैं आपको अहम दो तशरी के लिए इक्तसाबात उनमें से, अगर तो पैराग्राफ तशरी के वाले से अगर मेरा कोई टाइम हुआ तो मैं आपसे इंशाल्लाह वो लाजमी शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और आगे शेयर भी करें, और आपके इम्तिहानात के लिए हम लोग दुआगो भी हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।